उप मुख्यमंत्री टी एस सिंह देव यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, सरगुजा के महाराजा हैं। कई उनकी आइडेंटिटी है, लोग बाबा नाम से प्यार से पुकारते हैं, टीएस बाबा भी कुछ लोग कहते हैं जो दोस्त हैं। आज आपका सर क्या मूड कैसा है? रिलैक्स है, मतदान करना है और रिपोर्ट ले रहा हूँ सुबह से कहाँ कैसा मतदान चल रहा है, जहाँ जहाँ बात हो पा रही है, कुछ फोन आ रहे हैं रहता है। जो आप रिपोर्ट ले रहे हैं अभी तक क्या कहाँ से रिपोर्ट आई? उदयपुर से, लखनपुर से, अंबिकापुर से, ग्रामीण से, शहर से, सभी जगह से काफी पॉजिटिव। तो जो ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से खास तौर से कि बहुत कांटे का टक्कर है, कोई ये नहीं कह रहा है कि बीजेपी जीत ही जाएगी, लेकिन कम से कम बीजेपी के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि बहुत कांटे का टक्कर है। 3 तारीख को पता चल जाएगा। क्या लग रहा है कि जीत होगी या बड़ी जीत होने वाली है? आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, सही बोलते हैं, तो स्थिति क्या है? 2018 के चुनाव में, 2008 के चुनाव में पहली बार जब अंबिकापुर से विधायक बना उसमें मार्जिन बहुत ही कम था, मेरे उम्मीद से बहुत कम था, और उस चुनाव के बाद मैंने आकलन करना बंद कर दिया। मैंने कभी टारगेट नहीं रखा, उस समय लगता था कि 15-20 हज़ार से जीत जाना चाहिए, 980 वोट से ही जीत पाया था, और मैंने उसके बाद कभी टारगेट नहीं रखा। संयोग है लोगों ने अगला चुनाव और अच्छे से जिताया, काफ़ी कंफर्टेबल मार्जिन से, तीसरा चुनाव और बड़ी मार्जिन से जिताया, तो उस पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि कितने वोट से जीतना। काम करना है, लोगों का साथ लेने के लिए हर प्रयास करना है और जीतना। वोटिंग के लिए आप जा रहे हैं, रात कैसी बीती? 3 बज गए थे, 6 बजे से फोन अटेंड कर रहे हैं, 6 बजे, 7 बजे से, अब 11 बजे ऐसे ही एक रफ टाइम ले लिया था कि वोट डालेंगे, तो मंदिर जा रहे हैं, मंदिर के बाद घर में सब फैमिली मेंबर्स जो वोट डालेंगे उनके साथ फिर मतदान केंद्र जाएंगे। यानी कुल 2.5 घंटा ऐसे सो पाए? हाँ, 3 घंटा। तो कल आप दिल्ली भी गए थे? हाँ, दिल्ली भी गया। अचानक से वोटिंग के ठीक पहले दिल्ली? परिवार के लोग, बड़े मंदिर के नाम से एक प्रतिष्ठान है छतरपुर में, दिल्ली में छतरपुर में, वहाँ बहुत मानते हैं परिवार के लोग, तो उनके तरफ से था कि नहीं आपको वहाँ जाना। अच्छा। कुछ संदेश भी वहाँ से था कि वोटिंग के पहले आना है, मैंने बोला कि बहुत मुश्किल है, पर वहाँ से था कि नहीं, तो परिवार की भावना के अनुरूप वहाँ से भी जैसा संदेश था तो मैं हो गया। बड़ी पारिवारिक भावना जनता को पता लग रही है, क्योंकि सरगुजा के महाराजा भी हैं आप, तो ये आला कमान की ओर से कोई बुलावा नहीं था दिल्ली का? नहीं, आला कमान। तो आज का जो दिन है, चूंकि आप कैंडिडेट भी हैं, अपना वोट डालने के बाद कैसे पूरा दिन बीतेगा, टेक्निकली क्या क्या करना होगा आज? अमूमन मैं जितने पोलिंग बूथ हो सकते हैं उनको विजिट करता हूँ, एक लाइन से गए, एक रिपोर्ट लेने की कोशिश की कितने बजे तक कितने वोट गिरे, ट्रेंड क्या है, अंदाज एक लगाने की कोशिश। कोई दिक्कत में तो नहीं है, कहीं कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे, अभी भी खबर आई कहीं एक आध मशीन खराब हो गई, कहीं से खबर आ रहा है कि बीजेपी वाले सिंबल लगा के पर्ची लेके मतदान केंद्रों में जा रहे हैं, बीजेपी के लोग जो इस प्रकार की पर्ची दे रहे हैं उसमें सिंबल लगा के भेजने, तो ये आचार। जो एक सामान्य सवाल हर बार आपसे पूछा जाता है वो सबके मन में अभी भी है कि क्या अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो टीएस सिंह देव मुख्यमंत्री बनेंगे? ये हाईकमांड तय करता है, हमेशा ही सबसे राय करके, विधायकों से राय करके, फीडबैक अपना लेके अंतिम दिन में हाईकमांड। यहाँ हमने सरगुजा संभाग में देखा कि लोग आपके लिए काफी एग्रेसिव हैं कि टी एस सिंह देव ही बने, इसलिए और ज़्यादा ये सवाल बनता है कि क्या आप उनकी ओर से, क्योंकि कार्यकर्ताओं का बहुत दबाव होता है, आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे, आला कमान से कहेंगे अपने लिए? इसमें लड़ाई तो होती नहीं है, हाईकमान का आकलन होता है और वो आकलन करेंगे, तो इसमें कोई लड़ाई की बात नहीं है। और सरगुजा में भी, छत्तीसगढ़ में भी, अन्य स्थानों पर भी लोग संपर्क में रहते हैं, जो जिनके संपर्क में रहते हैं वो चाहते हैं कि हमारे संपर्क वाले व्यक्ति को अगर मौका मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले तो अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इस तरीके से टीएस सिंह देव अपनी वोटिंग करने जा रहे हैं, और उससे पहले एबीपी न्यूज से की खास बातचीत। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर।